मोर ऑन आर्हेनियस इक्वेशन. लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्क्राइब किया था ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. हमने ये बोला था कि जूं जूं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी. दिस इज़ फ्रॉम द काइनेटिक मॉडल ऑफ नेचर जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो काइनेटिक एनर्जी, जब पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उससे ये होता है कि अफेक्टिव कोलिजन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है. अफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज बिकॉज नाउ देर विल बी मोर मॉलिक्यूल्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी विच इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी. हैंस द ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग अफेक्टिव कोलिजन्स विल इंक्रीज. एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज. इस पूरे प्रोसेस को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट ने, हु वाज आर्हेनियस, जिसकी जो डिस्क्रिप्शन थी विच वाज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, सॉरी, इट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. हमने लास्ट टाइम भी ये पूरी क्वेश्चन खासी डिटेल में डिस्क्राइब की थी. हमने बल्कि एक और कंक्लूजन इससे डिराइव किया था जहाँ से आगे मैं आज स्टार्ट करूँगा. द कंक्लूजन वॉज डैट नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी. ये तब था अगर हम लोग नेचुरल लॉग्स में डील कर रहे हैं, और अगर हम लोग कॉमन लॉग्स या लॉग 10 की बात कर रहे हैं तो वी से log with base 10 of k is equal to log with base 10 of a minus e a by r t. एंड यहाँ पे फिर 2.303 ये फैक्टर जो है ये साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इन द डिनोमिनेटर आर टी के साथ. यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ था. अब हम यहाँ से आगे चलते हैं. वट इफ इन दोनों को मैथमेटिकली मजीद डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से केस वन एंड केस टू की हम बात करते हैं. केस वन हम केस ले लेते हैं जब आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू है टी वन, और केस टू वो है जब आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू है टी टू. कीप इन माइंड यू हैव टू टेक द टेम्परेचर्स इन केल्विन, राइट. सो मैं नेचुरल लॉग्स के अंदर डील करूंगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन. एट टेम्परेचर टी वन कोई ना कोई के की वैल्यू होगी, लेट्स कॉल इट के वन. सो आपकी इक्वेशन बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ के वन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए. अच्छा, ए विल नॉट चेंज, ए इज द आर्हेनियस कॉन्स्टेंट और इसकी वैल्यू एक रिएक्शन के लिए फिक्स्ड रहती है. आप टेम्परेचर या चेंज करते भी रहो, उसे ए की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, ये भी ई ए ही रहेगी. आर की वैल्यू अगेन स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट होता है, दिस इज जनरल गैस कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है. टेम्परेचर चूंकि आपका टी वन है तो आई विल राइट टी वन ओवर हियर. फॉर द केस टू जो मैंने लिया जिसमें टेम्परेचर टी टू है, in that case I will write the equation such as natural log of k2 equals to again natural log of a, because a ki value pe koi fark nahi padta at this temperature, minus times e to the power this is activation energy, this will stay the same as it was previously, then r times t2. Confusion? Should be no confusion. I have written this very simple equation twice, first for temperature t1 and then for temperature T2. Now what I'm going to ask is simply subtract these two equations. I'm saying simply subtract these two equations. How so? नीचे वाली को आप positive रखो, ऊपर वाली की पूरी equation को negative sign से multiply कर दो, negative and positive. And now you can simply add them. On the left hand side, I'm going to write it in red, natural log of k2 minus, sorry, natural log of k1 is equal to natural log of a minus natural log of a, you'll get 0, and this factor you'll get e to the power a by r t1 minus e to the power a by r
No, I'm again saying e to the power a. This is not e to the power a. This is activation energy by RT2. Agreed? Good. Now let's come to this conclusion. This is a very simplified equation which can be further simplified. You have under, agar jo maths ke students hain, you would be knowing this, ke natural log of a by b ki ek simple form hoti hai, natural log of a minus natural log of b. Yani isko aap is form mein likh sakte ho and vice versa. Similarly, I can say natural log of k2 minus k1 ko kya likha ja sakta hai? Natural log of 2 minus natural log of k1 ko, I can write natural log of k2 by k1. ठीक है अच्छा do not confuse this thing अगर ये लिखा होता ना natural log of k2 minus k1 तो फिर मैं नहीं लिख सकता natural log of k2 by k1 इसको ठीक है this is not equal to this but if it is natural log of k2 minus separately another natural log of k1 then I can say that it is equal to natural log of k2 by k1 so here on the right hand side I am going to take e a by r common and the rest of the thing is basically 1 by t1 minus 1 by t2 let's make it a good one yes this is the final equation which was supposed to be derived today it is giving a very better insight into the Arrhenius equation for example aap ye bata sakte ho ki k2 by k1 jo ratio hoga यानी रेट कांस्टेंट पे कितना फर्क पड़ेगा बाय सिंपली नेचुरल लॉग उस साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम e टू द पावर और इन अदर वर्ड्स आई विल से एंटी लॉग नेचुरल लॉग का एंटी लॉग ठीक है दिस इज अगेन एंटी लॉग विद बेस e की बात कर रहा हूं सो दिस वुड बी बेसिकली e टू पावर a बाय r इनटू 1 बाय t1 बाय माइनस 1 बाय t2 You can assume any values of T1 and T2. अगर activation energy की value और R की value तो वैसे ही fixed होती है आपको पता है तो आप बता सकते हो कि rate constant पे कितना फर्क पड़ेगा ये rate constant 2 times बढ़ेगा 3 times बढ़ेगा या 4 times बढ़ेगा Let's take some arbitrary values from your book. There is a reaction for which the activation energy is 106 kilojoules per mole. So you could put the value of kilo so this is basically 106 to 10 to power 3 you can use in the standard equation jo bhi aapne upar likhi hai in that one iske alawa the rate constant r is 8.314 again ye bhi aapki standard units ke andar hi hota hai standard system ke andar per mole per kelvin and temperatures jo hai aapko initial temperature jo given hai sorry initial temperature it is 37 degrees celsius and the final temperature is 47 degrees celsius so you keep in mind aapne bahut kam temperature badhaya hai sirf 10 degrees ka aapne fark dala hai 10 degrees celsius agar dala jaye fark to usse let us see ke kitna difference padta to in place of t1 will I use 37 no I'll have to convert it into kelvin kyunki baki dono mein per kelvin r hai theek hai to wo units consistent nahi rahenge main isko standard mein convert karunga by adding 37 and 273 so that it gets converted into kelvin so this will become 310 kelvin and this will become 320 kelvin and now if you would put these values and solve it using the using your calculators you'll get this result k2 by k1 becomes equal to 3.6 which means ke k2 is equal to 3.6 times k1 yani agar pehle jo rate constant ki jo bhi value thi ab wo 3.6 times badh gayi hai aur jab rate constant 3.6 times badh gaya hai to rate of reaction jo hoga wo dusri dafa jo hoga wo 3.6 times the rate of reaction hoga jo previous time tha yani aapne takriban 4 guna rate of reaction ko badha diya sirf 10 degrees celsius temperature ko increase karne se so this is very very direct relationship as was described previously ke joon jo aap temperature jo hai usko raise karte ho badhate ho तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ता है ओ फनी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शंस लिखा हुआ है यहाँ पे
I was supposed to write the rate of reaction increases. So let's write it now. It's basically increases. So this relationship jo shuru mein maine describe kiya tha, it is very much evident from this example, and it's actually a true example jisme actual activation energy ki values aur r ki values ko leke solve kiya gaya hai. Acha, I'm going to tell you something interesting now. For example, आपने जो फाइनल इक्वेशन पढ़ी उसमें 1 by T1 minus 1 by T2 फैक्टर आ रहा है, ठीक है? अब अगर तो आप लेट्स से के T1 की वैल्यू लेते हो 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन मैंने टेम्परेचर लिया, और T2 की आप वैल्यू लेते हो 600 केल्विन. अब मैंने कितना ज्यादा इसमें फर्क डाला है, कितने केल्विन का मैंने इसमें डाला है फर्क, 300 केल्विन का. एग्रीड? इन टर्म्स ऑफ अगर सेल्सियस में बात करूं तो इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू मैंने ली हुई है 27 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यू टेम्परेचर मैंने लिया हुआ है वो हमने लिया है 327 डिग्री सेल्सियस. एंड नाउ लेट्स सी इफ यू यूज दीज टू वैल्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड के 1/300 माइनस 1/600 का आंसर क्या आता है. यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, इट विल बिकम 600 माइनस 300 द टॉप, या 300 डिवाइडेड बाय 36 आर 1800. सो लेट्स सॉल्व इट, दिस बिकम्स सिंपली 1/6, नॉट 1/6 बल्कि यस इट्स बेसिकली 3 6 18 एंड 600. सो विल गेट 1/600. एंड इन दैट इक्वेशन इफ यू सी it's written EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2 hota hai, so I can simply write 600 over here, EA by R times 600, and I can simply take the anti-log to find K2 by K1. Let's do it and see ke is pure ka result kya aata hai this time. Yes. So if I use those previous values of EA and ER, what do you think iska kya answer aayega? Approximately kitna answer aayega? Any guess? Aapne 27 se 327 kiya hai. Last jo aapne padha tha uske andar aapne 37 se 47 kiya tha. Yani ye bhi approximately aap yahi samajh lo, aapne 27 se 327 yani 37 se hi start kiya hai. Kitna fark aapke khayal pe padega? Pichli dafa takriban 4 guna ka fark tha. इस दफा जो फर्क पड़ता है, इफ यू एक्चुअली सॉल्व दिस, दैट इज 1.7 बिलियन टाइम्स. वुड यू बिलीव दिस? 1.7 बिलियन टाइम्स. यानी एक्चुअल जो इसका आंसर है दैट इज 1693392923. इतना ज्यादा फर्क पड़ता है रेट कांस्टेंट के ऊपर. यानी अगर पहले रेट कांस्टेंट K1 था तो अब वो K2 इज इक्वल टू इतने टाइम्स K1 हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, लेट मी टेल यू अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस रिएक्शन, कि अगर पहले जो था वो रिएक्शन 5 मिनट्स के अंदर हो रहा था, एंड यू नो 5 मिनट्स कितने होते हैं, 5 मिनट्स होते हैं 60 सेकेंड्स इंटू 5 विच इज 300 सेकेंड्स, तो इस दफा जो रिएक्शन होगा वो कितने सेकंड्स में होगा? कैन यू टेल, कैन यू गेस कितने टाइम में होगा? प्रीवियस टाइम डिवाइडेड बाय दिस न्यू फैक्टर जो अभी आपने K2 बाय K1 निकाला है. सो इट वुड बिकम 300 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 1693392923. एंड व्हाट इज दिस आंसर? दिस इज समथिंग इन माइक्रोसेकेंड्स. इसका आंसर जो होगा वो माइक्रोसेकेंड्स के अंदर आ जाएगा, यानी एक सेकेंड के भी एक मिलियन पार्ट के अंदर, मिलियंथ पार्ट के अंदर रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, आपको पता है पलक झपकने में भी बेसिकली कुछ ना कुछ टाइम लगता है, हो सकता है आधा सेकेंड, एक सेकेंड का फोर्थ पार्ट, ये एक पलक झपकने के भी समझ लें कि मिलियंथ हिस्से के अंदर रिएक्शन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने टेम्परेचर को 27 से 327 पे लेके आए हो. सो बेसिकली आप इमेजिन करो, जिन रिएक्शंस के अंदर हम
हीट सप्लाई कर रहे होते हैं या जिनको हम खुद गर्म कर रहे होते हैं एट हाई टेम्परेचर्स करवा रहे होते हैं, तो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है उनके रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे। कैटालिसिस इज अनदर फिनोमिना जिसके थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली कैटलिस्ट क्या होता है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क डालता है, ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।